पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के बीच में भी भारत में सांप्रदायिकता का वायरस तेजी से फैल रहा है और हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को और गहरा कर रहा है। देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं के सामने आने के बाद इस बार सांप्रदायिकता के इस वायरस की दस्तक बिहार के एक हिस्से से सुनाई दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बिहार शरीफ के मुसलमानों का आरोप है कि उन्हें यह कहकर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है कि वो कोरोना फैला रहे हैं। उनके अनुसार सड़कों पर आते जाते उन पर तंज कसे जा रहे हैं और दुकानदार और सब्जी वाले उन्हें जरूरी सामान देने से मना कर रहे हैं। बीते सप्ताह नालंदा राज्य का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। सोमवार यानी 27 अप्रैल तक यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 274 हो चुकी है। बीते सोमवार को जिले में कोरोना के 1717 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। इन सभी 34 मरीजों में एक डॉक्टर भी शामिल है जो कोरोना मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित हो गए थे। बिहार शरीफ के मुस्लिम इलाके में रहने वाले कहते हैं माहौल इतना बिगड़ चुका है कि जैसे मुसलमानों को बिना ट्रायल के आतंकवादी करार दे दिया जाता है, वैसे ही अब हमें कोरोना संक्रमित बता दिया जाता है। उनके मोहल्ले में 4 कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद 22 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन ने इसे सील कर दिया था और यहां जरूरत की सामानों की दुकान खोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मुस्लिम इलाके में रह रहे एक मुस्लिम व्यक्ति का कहना है, जब भी हमारी माँ बहनें बाजार जाती हैं तो उन्हें कोरोना कहकर चिढ़ाया जाता है। वे बताते हैं कि उनका मोहल्ले का रास्ता हिंदुओं के मोहल्ले से होकर गुजरता है और उसी रास्ते में बाजार भी आते हैं। जब भी उनके इलाके में लोग हिंदुओं की दुकानों से सामान लेने जाते हैं तो उन्हें सामान देने से मना कर दिया जाता है। दुकानदार स्टॉक खत्म होने का बहाना बनाते हैं। वहीं एक दुकानदार ने बताया कि हिंदू ही नहीं मुसलमान भी हमारे कस्टमर रहे हैं, हम उन्हें सामान देना भी चाहते हैं तो हमें देने नहीं दिया जाता, आसपास के लोग हम पर यह दबाव बनाते हैं। उनका कहना है कि अगर हमने मुसलमानों को सामान दिया तो हमें दुकान खोलने नहीं दिया जाएगा, आप ही बताइए हम क्या करें। स्थानियों की इतनी शिकायतों के बावजूद प्रशासन इनसे अब तक अनजान है। उनका कहना है कि उन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। लोग हिंदू मुसलमान के बीच दरार की वजह मीडिया और फेक न्यूज को मानते हैं। शुरुआत में पूरे देश में तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज के नाम पर मुसलमानों को जो बदनाम करना शुरू किया गया, उससे बिहार शरीफ के मुसलमान भी अछूते नहीं रहे। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।